हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, कोविड के केसेस यहाँ पर अलग अलग न्यूज़ें आती रह आ रही है। ओके, यहाँ पर लॉकडाउन से रिलेटेड न्यूज़ें आ रही है, ओड इवन का आपने सुना है, आपने पीवीआर आज को पीवीआर वगैरह क्लोज होते हुए आपने सुने हुए दिखाई दिए है, जैसे कि दिल्ली में या फिर जैसे दिल्ली ने किया है, दूसरी स्टेट्स भी यहाँ पर करती हुई दिखाई दे सकती है। और ये जो केसेस है ये इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर बड़ी तेजी से स्प्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग न्यूज है। ओके, तो इसका भी हमें किस तरीके से फायदा उठाना है वो भी हमें देखना होगा। तो जैसे जैसे ओमिक्रॉन की अगर न्यूज आएगी तो कुछ शेयर ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फार्मा से रिलेटेड हो गया, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गया, तो उन शेयरों में गेट अप होने की कोशिश होती है, तो वो शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे ही एक शेयर है जो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काफी बेहतरीन नजर आता है, और जहां पर मुझे नजर आता है थोड़ी सी रिस्क है, बट यहां पर अगर बात करें वो शेयर बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, अब अगेन इससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो नाम क्या है उस पर्टिकुलर शेयर का? एस्टर डीएम हेल्थ केयर। देखिए, नाम सबको बता दिया है, नाम देखने वाले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट नाम देख के कुछ नहीं होता। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको देखने होंगे, सुनने होंगे, समझने होंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पर आप अगर कोई डिसीजन लेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो हम एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर इन्वेस्ट करने की मैं सोच रहा हूँ। ओके, करूंगा या नहीं करूंगा वो देखी जाएगी, जैसे कुछ शेयर बेचूंगा तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़ो और जाने इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका खुद का चैनल है, जितना हो सके सपोर्ट करिए। और हमारी अगर फाइनेंशियल सर्विस चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी वीडियोज को यहाँ पर देख जाके देखिए, आज बेहतरीन शेयर में यहाँ पर अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, रिक्वेस्ट करूंगा लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें, और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें। जितना सपोर्ट आप करेंगे हमारी मेहनत को, जितना अप्रिशिएट करेंगे, उतना ज़्यादा हम बेहतरीन वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं एस्टर डीएम से रिलेटेड। एस्टर डीएम से रिलेटेड हम सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को जान लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल अगर हम यहाँ पर जानते हैं, तो ये कंपनी जो है, ये जो हॉस्पिटल है, is one of the larger integrated private healthcare service provider operating in GCC, मतलब Gulf Cooperation Council countries में, यहाँ पर Gulf की countries में ये hospital ज़्यादा नज़र आता है, and an emerging player in India, और इंडिया में धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, with an inherent emphasis of clinic excellence, मतलब यहाँ पर clean है, it is one of the few entities in the world with a strong presence across प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी एज वेल एज क्वार्टरनरी हेल्थ केयर। तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ये शेयर है, गल्फ की कंट्रीज में ज़्यादा है और धीरे धीरे ये यहाँ पर इंडिया में भी प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, और अलग अलग ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और भी बहुत कुछ जानने के लिए अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगी, और भी यहाँ पर देख लीजिए। तो 26 हॉस्पिटल्स आउट ऑफ विच 13 आर सिचुएटेड इन द गल्फ। देखिए, यहाँ पर इनके 26 से 27 हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ पर 13 कंट्रीज में, यहाँ पर सॉरी, जिनमें से 13 हॉस्पिटल कहाँ पर नजर आते हैं? गल्फ में। ओके, और 13 जो है वो यहाँ पर इंडिया में नजर आते हैं। इट हैज एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 5000 बेड्स, मतलब 5000 इनके पास बेड्स भी है। क्लिनिक की बात करें, 115 क्लिनिक भी है, 106 जिनमें गल्फ में है, 9 इसमें इंडिया में है। ऑपरेट्स इन चाइना चेन ऑफ 225 फार्मेसी, मतलब इनके पास 225 फार्मेसी भी है। तो यहाँ पर ये कंपनी अगर बात करें हॉस्पिटल, यूएई में, ओमान में, कतर में, किंगडम ऑफ सऊदी अरब में यहाँ पर दिखाई देते हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें जियोग्राफिकली, 81% ऑफ इट्स रिवेन्यू कम्स फ्रॉम द जीसीसी, मतलब अगर बात करें ज्यादा जो गल्फ से इनका ज्यादा रिवेन्यू आता है, और रेस्ट अगर हम बात करें इंडिया से, यहाँ पर 19% आता हुआ दिखाई देता है। हॉस्पिटल सेगमेंट से 54% और फार्मेसी से 24% और क्लिनिक से 22% का यहाँ पर रिवेन्यू आता है। तो कंपनी ओवरऑल अगर हम बात करें काफी बेहतरीन है, और अपने आप को और भी ज्यादा ये ग्रो अप करने की कोशिश कर रही है। वर्क फोर्स की बात करें, 3000 डॉक्टर्स है, 6300 नर्स है, 10000 अदर वर्कर्स है, एंड हैव आउटसोर्स 2500 प्लस पीपल्स को यहाँ पर इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है। तो एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट करें। ओके, वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वही सब चीज़ देखिए, 7 कंट्रीज में यहाँ पर अवेलेबल है ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल, 27 हॉस्पिटल्स है, यहाँ पर वहाँ 26 दे रखा था, वहाँ अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, यहाँ पर अपडेट हो गया। क्लिनिक 117 है, फार्मेसी 225 है, एस्टीडियन 227 262 है,
तो कम यहाँ पर काफी बेहतरी नजर आता है। हॉस्पिटल टैलेंट टेक्नोलॉजी का एकदम मिक्सचर, जो अगर बात करें यहाँ देख सकते हैं, मेडिकल में रोबोटिक सर्जिकल्स भी करते हुए नजर आते हैं। इंडिया फर्स्ट फ्लैट पैनल बाइप्लेन हाइब्रिड वेस्कुलर कैथ लैब भी इनके पास है। इसके अलावा रोबोटिक फार्मा भी है इनके पास। कटिंग एज डायग्नोस्टिक में एक कंपनी काम करती है नजर आती है। यहाँ पर और भी बहुत कुछ जानने के लिए, इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जानने के लिए, यहाँ पर एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइए तो आपको पता चलेगी कि ये कंपनी, ये जो मेडिकल है, जो ये हॉस्पिटल का स्टॉक से, जो ये हेल्थ केयर का स्टॉक से, काफी बेहतरीन अलग अलग यहाँ पर अगर हम बात करें अलग अलग चीजों में एक्सपर्टीज यहाँ पर दिखाता है, तो ये काफी बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है। इनकी सर्विसेज के रिलेटेड एक बार आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट में, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, इनके हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ है वो सब कुछ आपको पता चलता हुआ दिखाई देगा, तो एक बार इनकी वेबसाइट पर डेफिनेटली विजिट करें। तो इसके अलावा हम बात करते हैं अब मेन पॉइंट की, जो कि क्या है इसके फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स देखना बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट कैप की बात करें तो 8,704 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप, मतलब स्मॉल कैप कंपनी। और स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसका चार्ट पैटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला भी हो सकता है, अलग अलग चार्ट पैटर्न हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके का इनके रिजल्ट है। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप कंपनी, बस ये है, अच्छा तरीके से भागता है तो अच्छे तरीके से गिरता भी है, तो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की कभी मत सोचा करें। स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट ना, हमेशा लार्ज कैप या मिड कैप में होना चाहिए। पी की रेशियो की बात करें 24 के पी पे शेयर चल रहा है। आरओसी आरओई 9 और 11 का है। डेट की बात करें 1.36 पर, मतलब 136% का डेट भी है। और प्लेजिंग की बात करें, जितने भी शेयर इनके पास है उनमें से 10% के शेयर इन्होंने यहाँ पर गिरवी रख रखे हैं, और ये 237 रुपये से करेक्ट होकर 174 रुपये पे शेयर चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2017-18 में ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट थी, भागता हुआ दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पैंडमिक की वजह से नीचे आया। फिर पैंडमिक में आपको पता ही है जितने भी हेल्थ केयर शेयर थे वो सारे भागते हुए दिखाई दिए, एक अच्छी खासी रैली हुई इन शेयरों में। ओके, ये 80-90 रुपये वाला शेयर यहाँ पर आपको 237 तक जाता हुआ दिखाई दिया, और एक अच्छी खासी गिरावट दोबारा यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर एक देखेंगे तो देखिए 5 साल में इसे 110% की CAGR से पैसा बढ़ाया है, और 110% की CAGR वाले स्टॉक्स आपको बहुत कम मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पर आपने चार्ट पैटर्न देखा है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज इसकी सेल्स यहाँ पर इंपैक्ट होती हुई दिखाई देती है, कभी सेल्स ऊपर कभी सेल्स नीचे, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे अच्छी खासी सेल्स चल रही थी, बट यहाँ पर जून 2020 में सेल्स गिरती हुई नजर आई, बट अगेन यहाँ पर देखिए पीक यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स आती हुई दिखाई दी है, जो इस क्वार्टर की सेल्स है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, उसके बाद नेगेटिविटी आई, और अभी का प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट तो नहीं है ये पिछले 12 क्वार्टर का, बट अगर हम देखते क्वार्टरली बेसिस पे तो जहाँ 44 करोड़ का प्रॉफिट था वो 107 करोड़ का है, और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें तो 33 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट 107 करोड़। तो ईयरली और क्वार्टरली बेस पे कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा ईयरली बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर देख सकते हैं कि कंपनी एक कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है, 1922 फिर 2871 टू 3800 के आसपास, 42 52 59 67 79 86 86 100 करोड़। इसके अलावा बात करें अभी की पिछले 12 महीने की तो लगभग 9400 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स, तो एक कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आया है, जो कि ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है। और चीजों की बात करें तो रिजर्व्स देख सकते हैं, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पर बोरिंग यहाँ पर जो 5600 करोड़ की थी 2020 में, अभी की बात करें तो हर क्वार्टरली बेसिस पे भी कम हुई है, ईयरली बेसिस पे भी कम होती हुई नजर आ रही है, मतलब कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर डेट कम हो रहा है, रिजर्व्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कंपनी ने वर्किंग प्रोग्रेस में 1000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर पैसे खर्च कर रखे हैं, मतलब ये अपने आप को और ज्यादा, जैसे कि इंडिया में प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर और भी ज्यादा शायद ही हॉस्पिटल यहाँ पर ओपन अप कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। जब ये पैसे ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इनका कार्य पूरा हो जाएगा, हॉस्पिटल जो बनाने हैं या फार्मेसी बनानी है जो भी बनाना है, एक बार यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो इनकी फिर दोबारा ग्रोथ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। कैश की बात करें 356 करोड़ रुपए का कैश है। ओके, यहाँ पर आरओसी की कैश की बात करें तो यहाँ पर हर एक क्वार्टर में, मतलब जितना भी ये
जितना भी ट्रीटमेंट करते हो उतना पैसा इनके पास आता है, अच्छा खासा पैसा है इनके पास। आरओसी यहाँ पर देखिए 10% की थोड़ी घटती हुई नजर आ रही है, बट दोबारा अच्छा खासा है। अगर ओमिक्रॉन आता है और ऐसा कुछ होता है नेगेटिव न्यूज, तो ऑब्वियसली बात है ये इस शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा और ये शेयर आपको गियर अप होता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 37.18% के शेयर यहाँ पर नजर आते हैं, और 37% में से अगर हम बात करें तो 10% के शेयर यहाँ पर गिरवी भी है, और गिरवी हमने जैसे कि देखा था ऊपर 4700 करोड़ रुपीज का यहाँ पर लोन भी है। ओके, लोन लिया होगा इन्होंने शायद, इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें भी लगा रखे हैं, तो वर्किंग प्रोग्रेस में, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो 37% से 10% यहाँ पर प्लेजिंग कर रखी है। FIs की बात करें तो लगभग देखिए इस क्वार्टर में FIs ने पैसा यहाँ पर बढ़ाया, लगभग 2.11% की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी होल्डिंग होती है। DIs की बात करें, DIs के पास थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है, DIs ने बेची है वो FIs ने खरीद ली है, और पब्लिक से भी जाती हुई नजर आ रही है, पब्लिक के पास 42% की होल्डिंग है। ओके, जो पिछले 43% की, तो पब्लिक से शेयर का कम होना एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो 42% के शेयर में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 36-37% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है, 34-36% की होल्डिंग। तो यहाँ पर लगभग 6-7% की होल्डिंग ही पब्लिक के पास है, सारे के सारे शेयर अच्छे खासे हाथ में यहाँ पर नजर आते हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा, काफी बेहतरीन यहाँ पर चीजें नजर आती है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न की। देखिए यहाँ पर एक बेहतरीन मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है। सबसे पहली बात, कुछ न्यूज बेस भी यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे RSI 35 के RSI पे चल रहा है, जो कि यहाँ पर यहाँ देखिए आप देखिए चेंज होती है नजर आ रही है, 35 के RSI पे ये शेयर चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है, इसके बाद ये एक यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा सपोर्ट नजर आता है, यहीं पर ही ये शेयर घूम रहा था। इससे पहले भी देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आ रहा था, यहाँ पर एक सपोर्ट पूरा का पूरा नजर आ रहा है, और इसी रेंज में ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और अच्छी खासी गिरावट इस शेयर इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर हो चुकी है। तो अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है इस पर्टिकुलर शेयर में, और यहाँ पर से अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की अगर बात करते हैं कि ऑल टाइम हाई तक भी ये शेयर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन अगर जाता है तो कितने परसेंट के रिटर्न होते हैं, तो लगभग 36% के रिटर्न होते हैं, और 36% के रिटर्न अगर आपको साल की तो बात नहीं करूंगा, 9 महीने में अगर भी मिल जाते हैं ना, तो बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। बट सब कुछ डिपेंड होगा किस पे, रिजल्ट पे। तो इस बार जब रिजल्ट आने वाले हैं फरवरी में, आई थिंक इसके रिजल्ट आएंगे, तो फरवरी में जो रिजल्ट आएंगे अगर एक बेहतरीन रिजल्ट आते हैं तो ये शेयर और भी ज्यादा बूम कर सकता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पर जो पहले एक चार्ट पैटर्न बना था कप विद हैंडल पैटर्न, ओके, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो टारगेट कितने मीट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक कप विद हैंडल पैटर्न बना था, या रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कप विद हैंडल पैटर्न की बात कर लेते हैं, देखिए कब बनाने का थी, ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, और ब्रेकआउट अगर हुआ तो ये इसके रिटर्न्स कितने होने चाहिए थे, इसके रिटर्न्स होने चाहिए थे जो हमें मिलने चाहिए थे, एक मिनट देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये पूरा पूरा टारगेट था इसका, मीट हुआ है कि नहीं एक बार देख लेते। तो देखिए ये टारगेट बिल्कुल भी मीट होता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्यों, इसके टारगेट जो आने चाहिए थे वो कितने आए, 283-285% के यहाँ पर टारगेट होने चाहिए थे, और अगर हम यहाँ पर इसे यहाँ से देखें कि यहाँ पर कितना हमें रिटर्न्स मिलने चाहिए थे, लगभग 65% का यहाँ पर रिटर्न्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, ओके, जो कि 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर अचीव हो जाना चाहिए, और 284 रुपीज़ तक ये शेयर यहाँ पर चला जाना चाहिए, पहली बात। बट यहाँ पर देखिए चीज़ें ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद चीज़ें दोबारा नीचे आई, और उसी लेवल पर ये शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक ये पॉजिटिव यहाँ पर, अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, और तो याद रखिए ये जब भागेगा इस बार तो यहाँ तक पूरा का पूरा 284 रुपीज़ तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा, और 64% के आपको ये शेयर यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ जाएंगे। और जो ये शेयर अभी नीचे गिर रहा है तो याद रखिए ये एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट में यहाँ पर खड़ा हुआ है, नीचे के लेवल से ले लीजिए या ऊपर के लेवल से ले लीजिए, काफी यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट पे ये शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके यहाँ पर अपनी पोजीशन लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।